हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं उत्कृष्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि उत्कृष्ट एकेडमी के द्वारा यूट्यूब चैनल पर उत्तराखंड इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें हमने इससे पहले अपने प्रागैतिहासिक कालीन से संबंधित एक महत्वपूर्ण वीडियोज़ दो पार्टों में आपके सामने लेकर आए थे। इसके पश्चात दोस्तों हमारी चर्चा चल रही थी इसके दूसरे पार्ट में, अर्थात आद्यतिहासिक कालों पर। पिछले वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि आद्यतिहासिक कालों को हमने चार भागों में बांटकर देखा था, जिनमें दोस्तों सबसे पहले हमने इसमें अध्ययन किया था कपमार्क्स का। कपमार्क्स के पश्चात दोस्तों मैंने आपको बताया था कि आद्यतिहासिक काल में ही हम अध्ययन करेंगे यहाँ पर शवादानों का। शवादानों के साथ साथ यहाँ पर मृदभांडों का अध्ययन किया जाएगा और साथ में ताम्र पाषाण संस्कृति का, जो दोस्तों आज हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक होगा, उत्तराखंड में ताम्र संस्कृति पर होगा। मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि यह उत्तराखंड के जानकारी के स्रोतों से संबंधित इतिहास पर चर्चा हो रही है। इसके साथ साथ हम दोस्तों एक एक करके उत्तराखंड इतिहास के सभी पार्ट को आपके सामने लेकर आएंगे। तो चलिए दोस्तों आज के टॉपिक पर चर्चा करते हैं। दोस्तों आज का जो विषय है ये हमारा उत्तराखंड में ताम्र पाषाण संस्कृति का होगा, अर्थात उत्तराखंड में आद्यतिहासिक काल का ही एक हिस्सा है ताम्र पाषाण संस्कृति, इसका दोस्तों अध्ययन किया जाएगा। यदि दोस्तों सबसे पहले ये जाना जाए कि ताम्र पाषाण संस्कृति है क्या, भारत में इसका इतिहास क्या है और उत्तराखंड में ताम्र पाषाण संस्कृति से संबंधित जो उपकरण है या वस्तुएं हैं ये हमें किन किन स्थलों से प्राप्त हुई हैं, किन किन चरणों में प्राप्त हुई है और किन किन इतिहासकारों ने इस पर अपना प्रकाश डाला है, तो इस पर दोस्तों ये हम चर्चा करेंगे इस पार्ट में। यदि दोस्तों ताम्र पाषाण संस्कृति की बात की जाए तो भारतीय इतिहास में लगभग 3500 से 4000 ईसा पूर्व के काल को ताम्र पाषाण काल के नाम से जाना जाता है। आपको याद रखना चाहिए कि मानव ने सर्वप्रथम धातु के रूप में यदि किसी धातु का प्रयोग किया था तो दोस्तों वो तांबा था, और तांबे का जो हमारे पास प्रमाण है कि सर्वप्रथम तांबे का प्रयोग लगभग कब किया गया होगा, तो दोस्तों ये 5000 ईसा पूर्व के आसपास तांबे के प्रयोग करने के प्रमाण हमें प्राप्त हुए हैं। दोस्तों ताम्र पाषाण संस्कृति से पहले हमने अध्ययन किया था उत्तराखंड में प्रागैतिहासिक काल का, अर्थात वो काल जब मानव के जो उपकरण थे वो पाषाण अर्थात पत्थरों के हुआ करते थे। थोड़ा सा दोस्तों मैं इस पर चर्चा करना चाहूँगा कि मानव ने अपने विकास क्रम में जैसे जैसे मानव ने अपना विकास किया तो मानव के रहन सहन के जो तरीके थे उनमें भी बदलाव होता चला गया। यदि हम प्रागैतिहासिक काल की बात करें तो वो पाषाण काल से परिपूर्ण था, यानी कि उनके जो उपकरण थे, औजार थे, वो सारे के सारे दोस्तों पाषाण यानी कि पत्थर के हुआ करते थे। लेकिन उन्हीं मानव ने धीरे 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 अपना विकास किया और एक नई धातु को खोज निकाला जिसका नाम था तांबा। इसके बाद लगभग एक टाइम पीरियड पूरा इसी से बीत गया, यानी कि तांबे के ही उपकरणों का प्रयोग किया गया। तांबे के उपकरणों के साथ साथ दोस्तों इन्होंने, आपने देखा होगा सिंधु सभ्यता लगभग 2350 से 1750, ये जो सभ्यता थी इसे कांस्यकालीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है सिंधु सभ्यता को। तो हुआ क्या, तांबा तो पहले से था लेकिन अब तांबे के साथ साथ इन्होंने टीन नामक धातु की भी खोज कर दी थी और इन दोनों के मिश्रण से एक नया धातु बनाया जो था कांसा, यानी कि कांसे की खोज करती। तो पहले जहाँ पर मानव पाषाण पत्थरों के उपकरणों के साथ जीता था, उसके बाद विकसित के अपना विकास किया, तांबे के उपकरणों के साथ किया, फिर तांबे के साथ टीन को खोजा और दोनों को मिलाकर कांसे के उपकरण बनाए और उसके बाद कांस्यकालीन संस्कृति, जैसे हम कि सिंधु सभ्यता को कांस्यकालीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। और अंत में दोस्तों लोहे की खोज हुई। लोहे की खोज लगभग 1000 ईसा पूर्व के आसपास ये अंतरजी खेड़ा से सर्वप्रथम इसके प्रमाण प्राप्त हुए थे
और फिर उसके बाद शुरू हुई एक नए युग की जो आज तक चलता आ रहा है। तो ये थी दोस्तों थोड़ी सी जानकारी ताम्रपाषाण संस्कृति की, इसके साथ साथ कांस्यकालीन सभ्यता की, पाषाण सभ्यता की और लौह सभ्यता की। लेकिन दोस्तों हमारा जो आज का केंद्र बिंदु है वो ताम्रपाषाण संस्कृति है और हमें इसको भी पढ़ना है उत्तराखंड की ताम्र संस्कृति के साथ। तो आइए चलिए दोस्तों अध्ययन करते हैं कि उत्तराखंड में ताम्र संस्कृति का इतिहास क्या रहा और किस प्रकार का रहा। दोस्तों यदि उत्तराखंड में ताम्र संस्कृति की बात की जाए तो यहाँ पर भी ताम्र संस्कृति को अत्यंत प्राचीन माना गया है। उत्तराखंड में इस संस्कृति का मुख्य रूप से जो विस्तार था वो ऊपरी गंगा घाटी में रहा। दोस्तों ये जो दोस्तों गंगा नदी थी, इस गंगा नदी के ऊपरी क्षेत्रों में ही हमें ताम्र संस्कृति प्राप्त हुई है। उत्तराखंड में अगर हम ताम्र संस्कृति से संबंधित अध्ययन करें तो इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण अल्मोड़ा जिला माना गया है। ये सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखता है, अधिकांश ताम्र उपकरण हमें अल्मोड़ा से ही प्राप्त हुए। लेकिन इसके अलावा दोस्तों समय समय पर अल्मोड़ा के आसपास के जो क्षेत्र थे वहाँ से भी बहुत सारे उपकरण हमें प्राप्त होते गए। जैसे आपको याद रखना है कि सर्वप्रथम 1986 में महेश्वर प्रसाद जोशी जी के द्वारा एक जगह है भैंसिया छीना, और इसी भैंसिया छीना में एक स्थान है सिराघाट, ये पिथौरागढ़ में पड़ता है, और यहाँ पर एक छोटा सा गांव है बनकोट। इस बनकोट से इन्होंने 8 ताम्र मानवकृतियाँ खोजी थी। तो आपको याद रखना है दोस्तों कि 8 ताम्र मानवकृतियाँ कहाँ से प्राप्त हुई थी। तो आपको बनकोट भी याद रखना है, सिराघाट याद रखना है, भैंसिया छीना याद रखना है, ये सभी स्थल पिथौरागढ़ जनपद में है। खोजे किसके द्वारा गए, तो महेश्वर प्रसाद के द्वारा 1986 में ये खोजे गए थे। और आपको याद होगा यही महेश्वर प्रसाद जी को हमने प्रागैतिहासिक स्थल में भी पढ़ा था। इन्होंने हमने देखा था कि उस दौरान 1968 में इन्होंने लाखों गुफा को खोजा था अल्मोड़ा से। इसके साथ साथ दोस्तों अब अध्ययन करते हैं कि उत्तराखंड में कहां कहां से, किन किन स्थलों से हमें ताम्र मानवकृतियां प्राप्त हुई हैं या ताम्र उपकरण हमें उत्तराखंड के किन किन स्थलों से प्राप्त हुए हैं। तो चलिए दोस्तों इसका अध्ययन करते हैं। दोस्तों ताम्र उपकरणों में सबसे पहला जो स्थान है या स्थल है वो बनकोट है। दोस्तों बनकोट पिथौरागढ़ में है और यहीं से हमें 8 ताम्र मानवकृतियाँ प्राप्त हुई थी। तो चलिए इस पर चर्चा करते हैं। यदि स्थिति को देखा जाए तो ये स्थिति इसकी पिथौरागढ़ जनपद में है बनकोट की। अब दूसरा प्रश्न कि भाई यहाँ से खोजा क्या गया, तो आपको याद रखना है कि महेश्वर प्रसाद जोशी जी के द्वारा यहाँ से 8 ताम्र मानवकृतियाँ खोजी गई है जिन्हें वर्तमान में अल्मोड़ा संग्रहालय में रखा गया है। इसके साथ साथ ये जो दोस्तों 8 ताम्र मानवकृतियाँ अल्मोड़ा से खोजी गई है, इतिहासकारों में बहुत मतभेद है। कुछ इतिहासकार इन्हें मानव न मानकर बल्कि कहा जाता है कि उस दौरान पक्षियों को मारने के लिए प्रयुक्त उपकरण है, जबकि कुछ इतिहासकार इसे कुछ अन्य उपकरण बताते हैं, कुछ इसे कुल्हाड़ियाँ बताते हैं और कुछ इतिहासकार। तो हमें यही इसमें देखना है कि किस इतिहासकार के अनुसार ये मानवकृतियाँ नहीं है और किन के अनुसार ये मानवकृतियाँ थी, जबकि महेश्वर प्रसाद जोशी जी ने इनको मानवकृतियाँ माना है। ये जो दोस्तों बनकोट से 8 ताम्र मानवकृतियाँ खोजी गई हैं, इतिहासकारों ने इसको यसीय कुठार माना है, जबकि महेश्वर प्रसाद कहते हैं कि नहीं, ये अनुष्ठान में प्रयुक्त होने वाला कोई पशु की आकृति रही होगी। अर्थात महेश्वर प्रसाद जी कहते हैं कि ये जो ताम्र मानवकृतियाँ हैं ये उस दौरान अनुष्ठान में प्रयुक्त होने वाली मूर्तियाँ रही होगी, मानव की मूर्तियाँ। लेकिन बनकोट से जो ये खोजे गए ताम्र मानवकृतियाँ हैं इसमें आपको एक इतिहासकार याद रखना है, डीडी शर्मा। डीडी शर्मा ने इनको मानवकृतियाँ बिल्कुल नहीं माना है, बल्कि ये कहते हैं कि ये आकृतियाँ जो हैं ये ताम्र उपकरण संस्कृति के नए स्कंदित कुठार इनको इन्होंने माना है। ये कहते हैं कि ये स्कंदित कुठार जैसी आकृतियाँ हैं, ना कि मानव आकृतियाँ हैं। तो दोस्तों अभी हमने अध्ययन किया बनकोट का, पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है, और साथ ही साथ देखा कि यहाँ से 8 ताम्र मानवकृतियाँ महेश्वर प्रसाद जोशी के द्वारा खोजी गई थी। बनकोट के बाद दूसरा स्थल है हमारा ऐतिहासिककालीन स्थल है बहादराबाद। बहादराबाद की यदि स्थिति की बात करें दोस्तों तो ये हरिद्वार जनपद में स्थित है।
यहाँ पर क्या खोजा गया? तो 1953 में बहादराबाद नहर की खुदाई करते समय यज्ञदत्त शर्मा ने यहाँ से अनेक ताम्र उपकरण एवं गैरिक मृदभांड खोजे थे। बहादराबाद बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है दोस्तों, अद्यतिहासिक कालीन के दृष्टिकोण से यहाँ से तांबे के बहुत सारे उपकरण हमको प्राप्त हुए। हमने बहादराबाद का अध्ययन प्रागैतिहासिक काल में भी किया था और अद्यतिहासिक काल में भी हम इसका अध्ययन करते हैं। यहाँ से बहुत सारे हमें दोस्तों बिना हत्थे के क्या कहते हैं भाले मिले हैं। इसके साथ साथ यहीं से कड़ा मिला है ताम्र उपकरण में। यहीं से हमें कुछ तांबे की तलवारें कुल्हाड़ियाँ प्राप्त हुई हैं। साथ ही साथ यहाँ से हमें गैरिक मृदभांड भी प्राप्त हुए हैं। यदि बहादराबाद से बात की जाए तो सबसे पहले बेंट व बिना बेंट के भाले। बेंट और बिना बेंट के भाले दोस्तों इस प्रकार के होते हैं। मान लीजिए ये हमारा भाला है तो ये तांबे का भाला है लेकिन बिना बेंट का है। यदि इसमें हम इस प्रकार से हत्था लगा दें तो ये भेंट का भाला हो जाता है, और यदि ये साधारण इस आकृति में रहे तो ये क्या हो जाता है, बिना भेंट का भाला। तो इस प्रकार के भाले प्राप्त हुए हैं। साथ ही साथ यहाँ से हमें ताम्र कुल्हाड़ियाँ प्राप्त हुई हैं, तलवारें प्राप्त हुई हैं और कड़े भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। ये हमें ताम्र उपकरण कहाँ से प्राप्त हुए दोस्तों, बहादराबाद से प्राप्त हुए। साथ ही साथ बहादराबाद से आप गैरिक मृदभांड याद रखेंगे और साथ ही साथ लोहित मृदभांड। लोहित मृदभांड का मतलब है कि लाल मिट्टी के बने मृदभांड, ये भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। अब याद क्या रखना है, ये जो गैरिक मृदभांड है, लोहित मृदभांड है और कुछ ये इस प्रकार की जो आकृतियाँ है, ये दोस्तों इतिहासकारों ने नर्मदा और गोदावरी से प्राप्त उपकरणों के समान माना है। हमें जो नर्मदा है, गोदावरी नदियाँ बहती हैं दक्षिण भारत में, वहाँ से भी इसी प्रकार की सभ्यता प्राप्त हुई है और उस सभ्यता से इस प्रकार के हमें कुछ उपकरण प्राप्त हुए हैं जिनकी तुलना बिल्कुल इनसे की जा सकती है। तो ये भी आप दोस्तों याद रखेंगे। आइए चलिए चलते हैं दूसरे स्थल की ओर। इसके बाद है दोस्तों थापली। ये भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, बहुत बार यहाँ से भी प्रश्न पूछे गए। पहले तो नॉर्मल साधारण प्रश्न आते थे कि थापली किस जनपद में स्थित है, अब यहाँ से कुछ अंदर की चीज़ें भी पूछी जा रही हैं। थापली की यदि स्थिति की बात की जाए तो दोस्तों ये टिहरी जनपद में स्थित है। इसके साथ थापली से क्या खोजा गया है, तो आप याद रखेंगे चित्रित धूसर मृदभांड। हमने अभी अध्ययन किया था बहादराबाद का, बहादराबाद में लाल मृदभांड प्राप्त हुए हैं लेकिन चित्रित मृदभांड प्राप्त नहीं हुए। चित्रित मृदभांड का मतलब होता है कि मान लीजिए ये मिट्टी का घड़ा है, तो यदि तो ये साधारण बना है लाल रंग का है तो लाल मृदभांड के अंतर्गत है, गेरुए रंग का तो गैरिक मृदभांड हो गया। परंतु बाद में जैसे जैसे मानव ने विकास किया तो इसमें उन्होंने अपनी कलाकृतियाँ भी करना शुरू कर दी थी, अर्थात इस प्रकार के कुछ इसमें चित्र बनाने भी शुरू कर दिए थे। तो इन्हीं को कहा जाता है कि चित्रित धूसर मृदभांड। तो ये मृदभांड हमें थापली से प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा यहाँ से तांबे के पतले आकार के ब्लेड भी हमको प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों थापली से क्या हुए हैं, इस प्रकार से पतले आकार की कुछ तांबे की ब्लेड्स बनी हैं ऐसा करके, ये बहुत सारी छोटी छोटी ब्लेड्स थापली से प्राप्त हुई हैं। तो ये दोस्तों बात हुई हमारी थापली की। अब दूसरा स्थल है कमल नदी तट। ये जो कमल नदी है इसके किनारे से भी हमें आदित्यसी कालीन जो है स्थल वस्तुएँ बहुत सारी प्राप्त हुई हैं, उपकरण प्राप्त हुए हैं। आइए चलिए सबसे पहले तो इसकी स्थिति के बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों कमल नदी तट सबसे पहले तो उत्तरकाशी जिले के पुरुला में स्थित है। आपको याद रखना है कि जो ये कमल नदी है, ये कमल नदी दोस्तों यमुना नदी की एक सहायक नदी है और दोनों जहाँ पर संगम बनाती हैं उसका नाम है, कहाँ पर बनाती है दोस्तों, तो इस स्थल पर यानी कि नौगांव में दोनों ही नदियाँ अपना संगम बनाती हैं। और ये जो नदी है कमल नदी, इसी के तट पर यहाँ पर बसा हुआ है पुरुला शहर। बहुत बार प्रश्न आता है कि पुरुला किस नदी के तट पर बसा है, तो ये कमल नदी के। तो ये जो कमल नदी है इसके तटों से भी हमें बहुत सारे उपकरण प्राप्त हुए हैं। जैसे कि क्या खोजा गया, पहला आप याद रखेंगे चित्रित धूसर मृदभांड, यही थापली से भी प्राप्त हुआ था दोस्तों चित्रित धूसर मृदभांड, और यही हमें कमल नदी के तट से भी प्राप्त हुए। और साथ ही साथ तांबे की बनी मूर्तियां यहाँ से प्राप्त हुई हैं। आपको याद रखना कि थापली से एक तो हमें प्राप्त हुए चित्रित मृदभांड और दूसरे पतले आकार के ब्लेड प्राप्त हुए। कमल नदी तट से एक तो प्राप्त हुए चित्रित मृदभांड और दूसरे हैं तांबे की बनी हुई मूर्तियां यहाँ से प्राप्त हुई हैं। आइए आगे चलते हैं दोस्तों। अब अध्ययन किया जाएगा दोस्तों मलारी गाँव का। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है आदित्यसिक काल के दृष्टिकोण से।
मलारी गांव की यदि स्थिति की बात की जाए तो मलारी गांव दोस्तों चमोली जनपद में स्थित है और बिल्कुल तिब्बत सीमा से सटा हुआ ये गांव है दोस्तों। बहुत बार पेपरों में पूछा भी है कि किस सीमा से सटा हुआ है, तो तिब्बत सीमा से ये लगता है। बात आती है दोस्तों कि क्या यहाँ से खोजा गया है। सबसे पहले दोस्तों याद रखना है कि जो मलारी गांव था यहाँ पर गढ़वाल विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा 2002 ईस्वी में अनेक वस्तुएं खोजी गई हैं। ये जो अनेक वस्तुएं हैं, यदि इन पर हम चर्चा करें कि कौन कौन सी वस्तुएं यहाँ से खोजी गई हैं, तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि यहाँ से हजारों वर्ष पुराना नरकंकाल खोजा गया है। प्रश्न पूछा जा चुका है कि हजारों वर्ष पुराना नरकंकाल किस स्थल से खोजा गया है, तो ये खोजा गया है कहाँ से दोस्तों? बिल्कुल। दूसरा है दोस्तों कि यहाँ से मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं, जानवरों के अंग प्राप्त हुए हैं तथा विशेष प्रकार के मिट्टी के बर्तन इस स्थल से हमको प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा ये जो अब मैं पढ़ने जा रहा हूँ, ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा गया है कि सोने का मुकुट यानी कि 5.2 किलोग्राम का, लगभग 5.2 केजी का सोने का मुकुट कहाँ से खोजा गया? तो दोस्तों ये भी कहाँ से खोजा गया? तो ये भी मलारी गांव से खोजा गया दोस्तों। इसके अलावा अब जो महत्वपूर्ण बात याद रखनी है कि ये जो यहाँ से मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं, ये मिट्टी के बर्तन पाकिस्तान की स्वात घाटी से खोजे गए शिल्प के समान है दोस्तों। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको ये भी याद रखनी है। तो ये दोस्तों अभी हमारी बात हुई कहाँ की, तो अभी दोस्तों हमने मलारी की चर्चा की, हमने देखा कि मलारी चमोली जनपद में स्थित है और बिल्कुल कहाँ पर है, ये है तिब्बत बॉर्डर पर लगा हुआ। हमने देखा कि 2002 में शोधकर्ताओं ने यहाँ से कुछ वस्तुएं खोजी थी जिनमें मैंने सभी आपके सामने अभी इन्हें पढ़ा था। तो आइए चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। अब अध्ययन करते हैं दोस्तों पश्चिमी रामगंगा घाटी का। पश्चिमी रामगंगा घाटी की सबसे पहले दोस्तों स्थिति के बारे में यदि पता करें तो ये पश्चिमी रामगंगा हमारी अल्मोड़ा ज़िले में बहती है और ये जो घाटी है बिल्कुल नौला जैलंग गांव के सामने से हमको बहुत सारे ताम उपकरण भी प्राप्त हुए हैं और शवदान प्राप्त हुए हैं। सबसे महत्वपूर्ण है ये शवदानों के लिए। सबसे पहले कि क्या खोजा गया यहाँ से दोस्तों, पश्चिमी रामगंगा घाटी से यशोधर मठपाल ने सबसे पहले सूचना दी थी कि ये जो पश्चिमी रामगंगा घाटी है इधर शवदान हो सकते हैं, वो भी महापाषाणिक शवदान। तो इसके पश्चात जो गढ़वाल के विश्वविद्यालय के शोधकर्ता थे उन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी गई इस क्षेत्र की, तो उन्होंने यहाँ से सानणा एक गाँव है और दूसरा है बसेड़ी गाँव, दोनों गाँव याद रखेंगे कि किस जनपद में स्थित है, तो अल्मोड़ा में है सानणा और बसेड़ी गाँव, इन दोनों गांव में इन्होंने उत्खनन करवाया गढ़वाल विश्वविद्यालय ने और यहां से बहुत सारे महापाषाणिक शवदान खोज निकाले थे और इन्हीं शवदानों के साथ साथ बहुत सारे ताम उपकरण भी हमें देखने को मिले थे। शवदान का टॉपिक दोस्तों मैं इसके बाद लेकर आऊँगा आपके सामने, उसमें पढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ से शवदान प्राप्त हुए हैं, कौन कौन से हमें उनके शवदानों संबंधित वस्तुएँ प्राप्त मिली हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने लेकर आऊँगा दोस्तों। तो ये दोस्तों हमारा आज का टॉपिक था उत्तराखंड में ताम्र संस्कृति। यदि दोस्तों आपको उत्कृष्ट एकेडमी के द्वारा किया गया यह प्रयास अच्छा लग रहा हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर अपनी राय ज़रूर भेजें। इसके साथ साथ अपनी राय भी आप भेज सकते हैं कि हमें किस प्रकार से और कार्य करना चाहिए। और हमारे चैनल को जिन लोगों ने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें ताकि ये जो वीडियोस है, ये जो नोटिफिकेशन है, आप तक लगातार पहुंचता रहे। वीडियो को अधिक से अधिक आप शेयर कीजिए ताकि उत्तराखंड के जितने भी छात्र हैं, जितने भी परीक्षार्थी हैं, वे सभी इन वीडियो का लाभ उठा सके, फ़ायदा उठा सके। और इसके साथ साथ दोस्तों ये जो जानकारी है ये सिर्फ और सिर्फ आपके परीक्षाओं से संबंधित ही नहीं है अपितु आपका और हमारा ये क्या कहते हैं फ़र्ज बनता है कि हमें अपने राज्य के बारे में, अपने आसपास की स्थितियों के बारे में अच्छी तरह से पता होना चाहिए। तो इस दृष्टिकोण से भी उत्तराखंड के इतिहास को जानना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों आज के वीडियोस में फ़िलहाल इतना ही है। अब मैं लेकर आऊँगा आपके सामने नया वीडियोस और वो रहेंगे उत्तराखंड में शवदान, अर्थात प्रागैतिहासिक काल में एक शवदान में जो ये बना हुआ था। तो इस पर दोस्तों अगली वीडियो में आपके सामने लेकर आऊँगा और उस पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद।